नमस्कार। पवित्र रजर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जन उत्कल प्रदेश को स्वागत करुच्छे मुआसा। वर्तमान नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। कलाहांडी रे दाम महानंद दुख भरा कहानी मुंड उपरे दुईटी छुआ भविष्य प्रशासनिक सहायता को भरोसा। थमिबार ना नेउनै दादन समस्या युवक युवती मानुकु रोजगार क्षम करैबा पई प्रशासन रो भिन्न प्रयास। आज पहिली रज गांठारु सहर उत्सव मुखरित परिवेश। रजरे निया लगा पान खाइबा पई लोकंक भिड़। बरगढ़ जिलापालक ऑफिस घेराव पानी जोगाई देवा नहीं एही घेराव सात दिन मध्य दावी पूरण न हेले आमरण अनशन। वर्तमान संपूर्ण खबर बुलेटिन आरंभ करिबा मेट्रो टीवी प्रयास। 70 वर्षर वृद्ध बापा मुंडरे एबे दुईटी मानसिक विकारग्रस्त पिलांक भविष्य। तीनोटी राशन कार्ड थाई मध्य अर्थ अभावरु जहांकु चाउल मुठे आणिबा कष्टकर हेउची से बापा जे केमिति एही पिलांक भविष्य गढ़िबे। मेट्रो टीवी प्रयास रे आसंतु देखिबा एमिति एक कहानी। कलाहांडी जिला खलियापाली ग्रामर दाम महानंद दुई पुओ और गोटे झीव को जन्म दे कि दिन पर स्त्री आरपारी को चली जाते। सते जमी से ही दिन ठार दामंकर आरंभ हो जाता दुखर जीवन। बड़ पु घर छाड़ी कुआडे चली जाता बेले मानसिक विकारग्रस्त सान पु एकम्र झील सबिता को बहुत करते से शशुर घर बाप घर को चली आसी पगल अवस्था गाँ दाण्डे बुली रोची। जो समस्या घेर में बर्तमान दाम महानंद भांगी पड़ती दामक निजस्व जमी कि घर टे ना। 70 वर्ष बयस हो जाते सुधा तांको वार्धक्य भत्ता मध्य मिलूना। ग्राम पंचायत रु पाई रेशन कार्ड रे तीन जनों नाम थी 15 किलो चाउल पाते टंका अभाव जो चाउल आणवे सक्षम हो पारना। तेणु घर घर बुली भिक मागी परिवार चलाउछंती दाम। तार बहुत असुविधा तार झी पु तार पगलेन पगलेन से निजे पागलाजी कर तार खाती घर भी ना तार खाती खाता अंतदय शीघ्र होगा से चिंता भी गाँव दाम मानन घर के तो तार घर बहुत असुविधा तार घर भी नहीं तार पर तीन जन लोग अच्छा तार पुओटे झीटे मानसिक खराब तेणु मुझे अंतदय पाइबार योग्यता बोले अंत सुपारिश कर ब्लक कर दिखे तो तार भत्ता लगे भी मुझे सकल टे कथी एवं तार भत्ता लगे भी व्यवस्था टे साधारण लोकों उन्नति पाई अनेक योजना तैयारी होउछि सत किंतु योजना को उचित लोकों पाखरे पहुंचाइबा को नियोजित कर्मचारी उदासीनता मनोभाव जो योजना गुड़िक बाट बणा होगा बसी। तेबे मेट्रो टीवी प्रयास चाहिबो जे बेसहारा दामंक परिवार को प्रशासन सहारा जोगाइबा सह तांको परिवार रे थिबा मानसिक विकारग्रस्त पिलामानंकु उचित चिकित्सा जोगाइ दिया जाउ। कलाहांडी कल्लामुंडारु प्रदीप कुमार साहू का रिपोर्ट मेट्रो टीवी। मेट्रो टीवी प्रयास एमिति अनेक लोक अछंती हम चारि पाखरे जो मैंने अनेक समस्या दे गति भी करुछंती लोक मान समस्या समाधान करने को चाहूँ आसतु आम सह माने मेट्रो टीवी सह हाथ मिसाई किसी नुआ करने को शपथ नियंतु आदि पार्टी निजे से सहारा हूँ आम को आप व्हाट्सअप सहित जोजोग करेंगे आम नंबर हो 7504619485। ए प्रयास आरंभ करिछु आमे किंतु सफल करिबे आपण माने। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଜିଆ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲିର ଡାଏକଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ କରି ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଜିଆ ଚାଷ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଦେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଜିଆ ଚାଷଟା ଆମ ପିଲାମାନେ ବେକାରଟାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ତାପରେ ଯେମିତିକି ୱାଟର୍ ସେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଜିଆ ଚାଷ ଇଏଟା ବିଷୟଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଶୁଣିକି ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଇଏଟା ଟ୍ରେନିଂଟା ମାନେ ୱାଟର୍ ସେଟ୍ରୁ ନେଲୁ। ନେଲା ପରେ ଆମେ ଜିଆ ଚାଷ ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ କତରେ ଆମେ ମାସକୁ 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତା ବାଦେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଲରେ ବି ପକାଇ ପାରୁଛୁ। ବିଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁରିଆ ପକାଉଥିଲୁ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇ ଚାଷ କରିକି ଏଇ କତଟା ପକାଇକି ଆମେ ଭଲ, ଆମର ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଇଏ ବି ପାଇପାରୁଛୁ, ଅମଳ ବି ପାଇପାରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କାମ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜିଆ ଚାଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ କିଛିଟା ସଫଳ ହୋଇଛି। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜିଆ ଖତର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଜିଆ ଚାଷକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ମାଥେଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆର୍ଏଡ଼ି ସ୍କିମ୍ ତରଫ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଏଡ଼ି ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି। ଆର୍ଏଡ଼ି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 5ଟା ଜିଆ ଖତ ୟୁନିଟ୍ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଦାମ 30,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ଗାଁରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ପିଲା +2 +3 ପାସ୍ କରିକି ଗାଁରେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଜିଆ ଖତ ଚାଷ କର, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଏକ୍ସପୋଜର ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ 2 ଥର ନେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଜିଆ ଖତ ଜିଆ ବେଡ୍ ପକାଇଲେ, ଏଠି 30ଟା ବେଡ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁ ସେମାନେ 3 ମାସଟି ଆଉ 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଜିଆ ଖତ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜାଣିବା ଫଳରେ ସେ ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ 100ଟା ଜିଆ ଖତ ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇଟାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର୍, ଆମର ପିଲାମାନେ ସାର୍, ତଥାପି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ମାଲକାନଗିରି ତ ଏତେ କାମ ତ ମିଳୁନି ସାର୍। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସାର୍ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଆନ୍ଧ୍ରା, ଚେନ୍ନାଇ, ଏମିତି ଦାଦନ କଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସାର୍, ଏମିତି ବେକାରଟାରେ ରହୁଥିଲେ ସାର୍। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ଆମ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ସେଟ୍ ପିଆଇ ସାର୍ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ବୁଝାଇଲା ପରେ ଜିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ, ବୁଝାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଜିଆ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ସାର୍। ଆଉ ଜିଆ ଚାଷ କରିଥିଲୁ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ଖତଟା ନେଇକି ଖୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଏମିତି ବିକାବିକ କରିକି ଆସୁଥିଲୁ ସାର୍। ଆମେ ପିଲା 6 ଜଣ ଏମିତି ଜିଆ ଚାଷ କରିକି ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲୁ ଡାଇଗୁଡ଼ାରେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ରଜ ଅବସରରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ସଜପାଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଜ ପାନର ନିଆରା ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ପାନ ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ପିରୋହାଟରେ ନିଆଲଗା ପାନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆସିଛି ରଜ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଜ ପାନର ନିଆରା ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ପାନ ଖାଇବାରେ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ରଜରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପାନ ମସଲା ସହ ଲବଙ୍ଗ ଫୋଡ଼ା ପାନର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏବେ ଆଧୁନିକତାର ତାଳେ ତାଳେ ରଜ ପାନର ମଧ୍ୟ
रूप रंग बदलुवा देखा मिलूँ। भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लक पीरहाट बजार एबे निया लगा पान चर्चार विषय साजिछि। एही नियारा किसमर पान देखिबा ओ खाइबापाई ग्राहक मानंकर नाही नथिबा भिड़ परिलिखित होइछि। स्थानीय हाटपटी निकटने रंजन मिश्र नामक पान दोकानी नियारा ढांचारे निया लगा रजपान प्रस्तुत करुछन्ति। मिठा ओ बनारसी पानपत्र जावतीय प्रकारर मसला देबा सह शेषरे एक प्रकारर मसला दिया जाउछि। एहाकु निया लगाइबा परे हु होइ जळुछि। किछि मुहूर्त जळिबा परे ताहा सीधा सडक ग्राहकक पाटीरे खुआई दिया जाउछि, जहाँ अत्यंत सुआदिया ओ बासना युक्त बोली जणा जायछि। एहि पान खाइबा पई रंजनक दोकानरे भिड़ जमुछि। ए संपर्क रे दोकानी रंजन को पचारिबारु चलित वर्ष से पश्चिम बंग बुलिबाकु जाइथिले। सेठारे एहि प्रकारर पान प्रचलित हेउथिबा जानिबा सह एहार ज्ञान आहरण करिबा परे पीरहाट रे से एपरि आरंभ करथिबा कहिछन्ती। गोटे नियार पान, ये पान रो गोटे मजा, गोटे पइन स्वतंत्र गोटे अलगा, ये पान रो टेस्ट मु जा को कोया पई चाहू कि तार माने तात्पर्य जा होजी गज पान पिता होजी गोटे विषय आया। मते तो पूरा भय लागुतला, किंतु पान तो पाटी उपसिला ता क्वालिटी गोटे अलहा प्रकार हमर गोटे उन्मादना गोटे सृष्टि हला। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲି ଆଜି, ସିଏ ଯେଉଁ ନିଆଁର ପାନ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲି, ସେ ପାନ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ରଜ ସମୟରେ ପାନ କରେ, ବନାରସୀ ପାନ, ମିଠା ପାନ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ନିଆଁ ଲଗା ପାନ ମସଲା କିଛି ଆଣିଥିଲି। ସେ ମସଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେଣି, ଆଉ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରଜରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନିଆଁ ଲଗା ପାନ ହିଁ ମାର୍କେଟ ନେବ। तिहिड़ी संजय दास का रिपोर्ट, मेट्रो टीवी। बुलेटिन रे समय ही जाई छे का ब्रेक रो। ब्रेक पर स्वागत। चारोटी ग्राम को पीवा पानी जोगाई देवा दाबी नहीं बरगढ़ जिला बीजेपी पक्षर जिलापा कार्यालय घेराव। सात दिन मध्य दाबी पूरण नहले आमरण अनशन हो जिला बीजेपी पक्षर दीजाई चेतावनी। शासक दल राजनैतिक चापर पानी जल प्रकल्प को कार्यकारी करोग कर जिला बीजेपी नजर पक रिपोर्ट। बरगढ़ सदर ब्लक एस तुमेरापाली बनवासपाली नुआपाली ओ बरपाली ब्लकर सरंडापाली ग्राम को आईओसीएल ओ सीएसआर योजनार पानीय जल प्रकल्प को तुरंत कार्यकारी करने दाबी नहीं बुधवार जिला बीजेपी पक्षर बरगढ़ जिलापा को घेराव कर समस्या नहीं जिलापा को जिला बीजेपी पक्षर एक दाबीपत्र प्रदान करत दिन मध्य दाबी पूरण नहले बीजेपी पक्षर आमरण अनशन हो जिला बीजेपी पक्षर चेतावनी दी जा। आईओसीएल कंपनी तार सीएसआर फंड रु बरगढ़ ब्लॉक रो तीनटा गाँ एवं बरपाली ब्लॉक रो गुटे गाँ को पीवा पानी पीवा पानी पाई 37,76,000 टंका देइथिला एवं 9टा गाँ रे पैसा देवा पाई प्रस्ताव रखिथिला। से परिप्रेक्षी रे एठी को चिठी भी हेइथिला जे 9टा गाँ रो एस्टिमेट दियो बोली करी एमाने 4टा गाँ रो एस्टिमेट आज पर्यंत देइछंती एवं बाकी 5टा गाँ रो एस्टिमेट देइ पारि नांदी। घटनार तदंत करी आसंता 5 दिन मध्यरे यार समाधान करा जीवो बोली जिलापाल इंद्रमणि त्रिपाठी प्रतिश्रुति देवा परे बीजेपी कर्मी माने घेराव रूप ओहरी थिले। ଆମର ପାଣି ଲାଗି ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେନୁ ଏକଜୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାନୁ କି ସେନୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲିକରି, ସେଥିଲାଗି ଆଜିକା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠାରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିନୁ ଆସିଛୁ ଆମେ, କେମିତି କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଭିଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁନ୍ ବୋଲିକରି। କାଲିକା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଥି, ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଇଁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ଚାହେଁମି
कि जिलार गुरुत्वपूर्ण बैठक जेनटा कि डीआरडीए थी हेसी सब जिला परिषद मेम्बर्स रो मेम्बर्स और आमर ब्लॉक चेयरमैन। केंद्र सरकार आईओसीएल और सीएसआर योजना आरडब्ल्यूएसएस विभाग को 37,76,000 टंका मंजूर करछन्ते। एही अर्थ विभागीय ऑफिस अकाउंट रे जमा मध्ये होई सारछि। किंतु शासक दलर राजनैतिक चापरे ए प्रकल्प को कार्यकारी करा जाउ नाही, फळरे लोके पीबा पानी पाई पारु नाहंति बोली बीजेपी राज्य सभापति अश्वनी षडंगी अभियोग करछन्ते। सीएसआर फंड रे किछि वाटर सप्लाई स्कीम रे पैसा आसतला आउ तार एस्टिमेट आरडब्ल्यूएसएस डिपार्टमेंट बनैतिला से काम जल्दी करने दावी करते। काली जिला परिषद मीटिंग में विषय आलोचना होता से साइड डिस्प्यूट अच्छी आरडब्ल्यूएसएस एग्जीक्यूटिव कही आउ काली भी आलोचना होता यथाशीघ्र से जो पैसा आसी तर कम करने आम कथा ही जल्दी कम आरंभ कर पदक्षेप नबू। बरगड़ प्रद्युम महांती रिपोर्ट मेट्रो टीवी। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करुथिबा समाजसेवी श्रीजुक्त सुरथ बेहरा नेतृत्व में आज बलांगीर जिलार तुरेकला ब्लॉक बीडीओ को एक दाबीपत्र प्रदान करा जाएगी। आसंता तीन मास भीतर शिक्षा अधिकारी आईन को कड़ाकड़ी लागू करा जिबाकु दाबी होईछि। अधिकांश सरकारी अधिकारी कार्यरत स्थान में रहू नथिबारु सरकारी योजनार सफल रूपायन होईपारुनाही। तेणु जदि तीन मास भीतर दाबी पूरण करा न जाए ताले आगामी गांधी जयंती दिन नुआपड़ा जिला सिनापाल्ली ठारु भुवनेश्वर पर्यंत पदयात्रा करी राज्यपाल और राष्ट्रपति को दाबीपत्र प्रदान करा जिबाकु चेतावनी दिया जायछि। बलांगीर जिला कंटापांजीर शिक्षा क्षेत्र में कार्य करुथिबा समाजसेवी सुरत बेहरा नेतृत्व में आज तुरेकला ब्लॉक बीडीओ को एक दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। आसंता तीन मास भीतर शिक्षा अधिकार आईन को कड़ाकड़ी लागू करा जाउ बोली दाबी रे सेमाने कहिछन्ति। अर्थात शिक्षा अधिकार आईन अनुसार 6-14 वर्ष समस्त शिशु मागणा और बाध्यतामूलक पढ़ा आईन रही एवं जो सरकारी अधिकारी माने लागू करिछन्ति सेमाने पालन नकरी तांकर शिशु मानंकु घर स्कूल पाठ पढ़ाउथिबारु उक्त आईन ठीक भाव कार्य नकरिबा सह सरकारी स्कूल अवस्था अति दयनीय होइपड़िछि। पुणि अधिकांश सरकारी अधिकारी कार्यरत स्थान में रहू नथिबारु सरकारी योजनार सफल रूपायन होइपारुनाही। तेणु जदि तीन मास भीतर दाबी विचार करा न जाए ताहेले आसंता 2 अक्टोबर गांधी जयंती दिन नुआपड़ा जिला सिनापाली ठारु भुवनेश्वर पर्यंत पदयात्रा करी राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को दाबीपत्र दिजाकु सेमाने चेतावनी देछन्ति। दीर्घ 10 वर्षर ऊर्ध्व समय है कंटापाजी गोटे आवाज उठुचे जे सरकारी चाकरिया एवं नेता मंगल छुआ मैंने सरकारी स्कूल पाठ पढ़े जन जन बंधु सुरथ बेहरा से मुई और आम उड़िया लोक एक कथा उठुचु आम एट उठु कि भारत सरकार आईन अनुसार सब छुआ सामान समस्ते गोटे जगह पाठ पढ़वा उचित। 6-14 वर्ष समस्त शिशु मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार आईन अच्छी यह राज्य 2010 रु कार्यकारी हो किंतु यही आईन को जो मैंने आईन करता और जो मैंने लागू करी माने से मैंने आईन को पालन करूना आने छुआ मान को घर विद्यालय पढ़ाऊँच जहाँफल आईन तो उल्लंघन हो सहित सरकार उपर लोक विश्वास भी हरे बस। बलांगीर मोहन सोनी का रिपोर्ट मेट्रो टीवी। समय शेष होइछि। उत्कल प्रदेश को एठ रखिबा अधिक खबर पई आपन लॉगिन कर परबे हम वेबसाइट www.metrotvbureau.com। नमस्कार।